आइसोलेटेड एटम इन अ गैसियस स्टेट. हाँ, ये अपन ने किया था. एनर्जी एंड एनर्जी की डेफिनेशन अपन ने लिखी थी. आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी. ठीक है, जो कि अपन को ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन हटाने में कितनी एनर्जी अपन को लगेगी. तो अपन इलेक्ट्रॉन क्यों हटाना चाहते हैं ये बता सकते हैं आप? व्हाई डू वी वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन? बताएं जल्दी से. यस, कम ऑन गाइस, क्विकली टेल मी, व्हाई डू वी वांट, समवन वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन? एक्चुअली आयनाइजेशन एनर्जी, अपन इलेक्ट्रॉन, वी कैन डेलिबरेटली रिमूव द इलेक्ट्रॉन बाय गिविंग एनर्जी टू एटम. ओके, और द एटम इटसेल्फ व्हाइल फॉर्मिंग कंपाउंड it will lose electrons. So it will help us to know whether some compound will form, whether some electron, how many electrons will be removed by an element, or what type of compound will form. Okay, because that again depends upon how many electrons are lost by an element, whether an element is ready to lose one electron, two electron, three electron, and so on. Okay, so that depends actually on the element, more precisely on its ionization energy. Clear? So ionization energy will tell us how easily an atom can remove an electron. Okay, so if the ionization energy is low, then the atom is going to release electron more easily. And if the ionization energy is large enough, okay, then the atom, it is very difficult for the atom to release or lose an electron. For example, in the case of noble gas. Okay, clear? So let me give you some examples of ionization energy. As we discussed, it is measured for an isolated atom, okay, in gaseous state. So how you will make sure that जो आपका atom है वो isolated हो? जैसे sodium लिया आपने, sodium तो solid है, okay. क्या ये ionization energy है? ये तो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एन ए यू हैव टेकन सॉलिड. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी कौन सा होगा? अंशिका, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम? कैन यू टेल मी सर? सेकंड. हाँ, सेकंड वाला. ठीक है, क्योंकि गैसेस में लेना है, सॉलिड में नहीं लेना. जैसा कि मैंने बताया था, सॉलिड में यू हैव टू गिव सम एनर्जी टू मेल्ट, है ना, फिर वेपर में बनाना है, फिर उसका इलेक्ट्रॉन उठाना है. अपन को वी नीड टू मेजर द एनर्जी which is required to remove the electron. ठीक है, तो that is from an isolated atom. Isolated, and how you will make sure that the atom is isolated? कैसे अपन guarantee लेंगे इस बात की कि atom is isolated? ठीक है, by taking it in gaseous form. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपके, I hope, है ना. और फिर इसके बाद अपन को कुछ बातें देखनी है. ionization energy की unit क्या होगी, मैंने बताई थी आपको. क्या क्या यूनिट होगी जल्दी से बताओ. हाँ उन्हीं,
पर मोल। हाँ जूल पर मोल हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक एटम की नापोगे तो बहुत ही छोटी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो सकती है, ठीक है, जूल पर मोल हो सकती है, ठीक है, और किलो जूल, जूल पर एटम हो सकती है एक एटम के लिए, और किलो जूल पर मोल हो सकता है, ठीक है। ये यूनिट्स रह सकती है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? यस सर। और इसको अपन, इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं अपन। वैसे फर्क क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी दोनों इंटरचेंजेबली काम में लेते हैं अपन टर्म्स। जब आप 0 केल्विन पे नापते हो ना, ये कितनी एनर्जी चाहिए 0 केल्विन पे, 0 केल्विन मतलब -273 पर, तो उसको अपन आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एट 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस पर, इफ यू आर गोइंग टू मेजर, देन इट इज योर आयनाइज, देन इट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। किसी और टेम्परेचर पे अगर आप मेजर करोगे, ठीक है, तो उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलोगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे जो चेंज होगा वो कहलाएगा। समझ में आया? तो अब अगली चीज अपनी आती है कि वेरी कैसे करेगी पीरियड, है ना, किन किन बातों पे डिपेंड करेगी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, उन्हीं मेरे को थोड़ा सा बताओ कौन से फैक्टर्स पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इज गोइंग टू डिपेंड। कैन यू टेल मी जल्दी से? हाँ बताएं, किस किस पे डिपेंड करेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, जल्दी से बताओ। टेम्परेचर हाँ टेम्परेचर तो अपन नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे लेते हैं, हाँ ठीक है, उस पे भी डिपेंड करेगी। और मेन बात, एटम के ऊपर कैसे, एलिमेंट के ऊपर कैसे निर्भर करेगी वो मैं जानना चाहता कि वो मेटल नॉन मेटल या फिर नोबल गैस है। हूँ। हाँ मेटल नॉन मेटल या नोबल गैस है, ठीक है, तो अपन एक्चुअली मेटल नॉन मेटल या नोबल गैस का अपन पता कैसे लगाते हैं? अपन पता लगाते नॉन हैं, मेटल की सबसे कम होती है, फिर मेटल सबसे कम मेटल्स की होती है, फिर नॉन मेटल्स एंड देन नोबल गैसेस की हाँ सबसे हाई बिल्कुल सही, होती है। हाँ बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड अंशिका। तो अपन ने ये देखा है, तो ये एक्चुअली किस किस पे निर्भर करेगी, साइज पे भी निर्भर करती है। अगर आपके दो नॉन मेटल आ जाए तो फिर अपन देखेंगे कि साइज, ठीक है, दूसरा फैक्टर उन्हीं क्या हो सकता है, साइज हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही अपन को मेटल नॉन मेटल की बात पता लग जाती है ना। तो मेटल नॉन मेटल मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है, और साइज हो गया, फिर शील्डिंग, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि शील्डिंग पे निर्भर करता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन कर रहे हैं आपका, ठीक है। साइज मतलब आ गया शेल, वैलेंस शेल कौन सी है, बड़ी वैलेंस शेल है, न्यूक्लियस से दूर है, या छोटी वैलेंस शेल है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आपका अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको मेटल नॉन मेटल मालूम पड़ जाएगा, पीरियड में कैसा है, कौन सा ब्लॉक है वो भी मालूम पड़ जाएगा, या आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह से
आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो हटने वाले कहाँ पर है, मतलब उनके जो ऑर्बिटल्स हैं जो आप जिनसे इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर कितनी है, मतलब कितना अंदर तक, कितना पास है न्यूक्लियस के, तो पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स जिनसे आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, है ना, वैलेंस शेल के, तो ये सब बातों से अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी निर्भर करेगा। तो अपन इसमें ट्रेंड देखने की कोशिश करें सबसे पहले, और इसी से सारी बातें अपने समझ में आ जाएगी। ट्रेंड्स, ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट पीरियड में जाते वक्त आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या असर होगा? उन्हीं आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बताओ जरा सर। लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। लेफ्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है अंशिका, वेरी गुड, ठीक है। तो क्यों बढ़ती है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है क्योंकि क्या होगा सिद्रा? सो बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है राइट साइड जाते हुए। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बताओ सिद्रा बताओ, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या होता है? शेल तो वही रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। हाँ वैलेंस शेल रिमेन सेम, वैलेंस शेल या एन रिमेन सेम, जो आउटर वैलेंस शेल है वो, है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो उसी शेल में ऐड होते आते हैं। तो आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा, अगले एलिमेंट में दो इलेक्ट्रॉन, उसी शेल में आपने यू हैव पुट टू इलेक्ट्रॉन्स, देन यू हैव पुट थ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड देन यू हैव पुट फोर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल एंड सो ऑन। और ये जो सेम शेल के इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये साइड में है ना, ऐसे सोचो कि एक दूसरे को इतना रिपेल नहीं करते, इनका शील्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अच्छा सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं बढ़ रहे, आपके जो है प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे न्यूक्लियस में, क्योंकि हर अगले एलिमेंट में एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। प्रोटॉन से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन साइड बाय साइड है तो एक दूसरे को रिपल्शन इतना नहीं करेंगे। जैसे ऐसे ऐसे रखे हुए इलेक्ट्रॉन, इनका शील्डिंग कम होगा। अगर ऐसे रखे होते मान लो, तो देखो ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं तो ये शील्डिंग ज्यादा कर रहे हैं, आगे वाला इलेक्ट्रॉन मेरे पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शील्डिंग कर रहा है ना, नहीं दिख रहा आपको? तो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल, क्लियर, और जिसके कारण आपका क्या होगा, रिपल्शन इनके बीच में इतना नहीं बढ़ेगा जितना अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, ठीक है, साइज डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन कहीं दूर जाके नहीं उसी शेल में जुड़ते आ रहे हैं, तो वो शेल ज्यादा से ज्यादा अंदर की ओर अट्रैक्ट हो रही है, प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, अंदर की ओर अट्रैक्ट होने से आपका जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, साइज डिक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, जिसके कारण
जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन मिलता जा रहा है, तो अट्रैक्शन मिलता जाएगा तो वो क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल होता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी इंक्रीजेस। समझ आ गया? लेकिन स्कूल में ऐसे एरो मत लगाना, है ना, टीचर काट देंगे। मैंने जैसा कि पहले बताया, उन्हीं की आवाज आ रही है। तो अब मेरे को ये बताओ कि जैसे सेकंड पीरियड के अंदर अपन देखें, फर्स्ट पीरियड में तो दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का ज्यादा होगा, ठीक है। सेकंड पीरियड में बहुत सारे एलिमेंट हैं, यहाँ पे अपन कंपेयर कर सकते हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, समझ आया? तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 नियॉन का, तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा? सिद्रा, अनवी, आवाज आ रही है? अनवी बताओ जल्दी से। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा अनवी इनका, जल्दी बताओ। सित्रा बताओ, अंशिका बताओ, उन्हीं जल्दी बताओ, कौन बताएगा मेरे को? आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो जनरल ट्रेंड है वो साइज छोटा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में जुड़ते आ रहे हैं, और तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हाँ, कुछ जगह जरूर एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन कहाँ पर होगा, कैसे जानोगे आप, बताएं मेरे को जरा, कहाँ पर एक्सेप्शन है, अनवी बता सकते हो मेरे को? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख देता हूँ, यहाँ पर 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 1s2, 2p1, तो जो अपन इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं वो बाहर से हटा रहे हैं, 2s से हटा रहे हैं या 2p से, बाहर वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर एक तो यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा, ये अपनी जगह से पे नहीं है, दूसरा एक्सेप्शन अपना यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये जो एक्सेप्शन होंगे क्या होंगे कि यहाँ पर कि बोरॉन से आगे बेरिलियम जंप करके आ जाएगा, और नाइट्रोजन जो है ये अपना जंप करके आ जाएगा ऑक्सीजन के आगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये एक्सेप्शंस क्या रीजन है, इन एक्सेप्शंस का कौन बताएगा मेरे को? सिद्रा जरा बताओ क्या हो सकता है, अनवी, अंशिका, पुनीत, पुनीत बताओ क्या रीजन हो सकता है। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, उससे पता लगाओ। जैसे यहां पर तो एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा, पहले एक्चुअल ऑर्डर मैंने तो लिख दिया है वैसे, लेकिन वापस से लिख देता हूं मैं, लिथियम, ठीक है। लिथियम के बाद बेरिलियम नहीं आएगा, बोरॉन आएगा, बोरॉन, बेरिलियम, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन,
ये एक्चुअल ऑर्डर है जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, कुछ कुछ एलिमेंट्स जंप करके दे विल कम अहेड, दे विल हैव आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। बेरिलियम का रीजन ये होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो हाफ फिल्ड है, हाँ 2s से फुली फिल्ड है, हाँ फुली फिल्ड 2s, वेरी गुड, फुली फिल्ड 2s से आप इलेक्ट्रॉन उठा रहे हो, 2s अंदर की तरफ होता है, इट हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर मतलब 2s में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ज्यादा अंदर की तरफ होगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो हट रहा है कहां से हट रहा है, 2p से हट रहा है, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन का भी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा आया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया, ऐसा क्यों होगा, जल्दी से बताओ। हाँ यहाँ पर भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत स्टेबल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन आपस में अपन ने देखा था एक्सचेंज करते रहते हैं अपनी पोजीशन, तो जिस कारण से अपन को एनर्जी ज्यादा लगती है, तो यहाँ पे हाफ फील्ड led to increase in ionization enthalpy. Neon तो खैर fully filled है तो वो तो सबसे आगे है, होगा ही होगा, समझ आया। इसी तरह से अपन third period की भी देख सकते हैं, बिल्कुल यही trend होगा third period का, ठीक है। third period का अगर अपन देखेंगे तो third period में अपने elements आते हैं, lithium के नीचे आता है sodium, magnesium, एल्यूमिनियम, सिलिकन, ठीक है, सिलिकन के नीचे बाद फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अटोमिक नंबर 11 टू अटोमिक नंबर 18, समझ में आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड शेल में ऐड हो रहे हैं, वैलेंस शेल कौन सी है, थर्ड शेल, एन इक्वल टू थ्री में ऐड हो रहे हैं ना, जैसे जैसे आप एलिमेंट से बढ़ते आ रहे हो, सोडियम, मैग्नीशियम, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर भी एक्सेप्शन जो होगा ठीक वहीं पर होगा जहां अपन ने पहले देखा था, और वो एक्सेप्शन पोजिशन है एलिमेंट जो एक्सेप्शनली आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी शो कर रहे हैं, दैट इज मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज मोर देन एल्यूमिनियम। सिमिलरली द नेक्स्ट हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी फॉर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस विल हैव मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन सल्फर। तो एक्चुअल ऑर्डर विल बी सोडियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैज शोन एक्सेप्शनली लार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि यहाँ पर जैसे बेरिलियम में आपने 2s2 से इलेक्ट्रॉन उठाया था फुली फिल्ड s सबशेल, यहाँ पे आप 3s2 से इलेक्ट्रॉन उठाओगे, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद आएगा आपका सिलिकन, सिलिकन के बाद फॉस्फोरस नहीं आया, सल्फर आ गया, और फॉस्फोरस और ज्यादा है ना, फॉस्फोरस, क्लोरीन और आर्गन, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है आपका, आर्गन का ज्यादा है ना। दूसरा एक्सेप्शन फास्फोरस का ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये कुछ जनरल ट्रेंड है आपके। फिर कुछ अपन ऐसे बात करें, एक ही एलिमेंट के लिए अगर बात करें, जैसे कि एल्यूमिनियम के लिए अगर अपन बात करते हैं, एल्यूमिनियम गैसियस अपन ने लिया और गैसियस से इलेक्ट्रॉन हटाया, अगर एक इलेक्ट्रॉन हटाया अपन ने तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, मान लीजिए डेल्टा एच, एंथैल्पी का साइन हीट,
एच से होता है आई ई वन, है ना, समझ आया? तो ये होगा 577, लेट से, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। एल प्लस गैसेस है तो ये आ जाएगा आपका एल। दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाया आपने, डेल्टा एच आई टू, है ना, ये ज्यादा होगी। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी, थर्ड सेकेंड से ज्यादा होगी, सेकेंड फर्स्ट से ज्यादा होगी, ऐसा क्यों होता है? अनवी बताओ जल्दी से, सिद्रा अनवी जल्दी से बताओ मेरे को, अनवी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बताओ मेरे को कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एक ही एलिमेंट से, एक ही एटम से मैं पहला इलेक्ट्रॉन हटाता हूँ तो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा हटाता हूँ तो दूसरी, तो दूसरी पहली से ज्यादा होगी। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मोर देन द फर्स्ट, व्हाई सर? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद जो पॉजिटिव आयन का चार्ज होगा वो जो इलेक्ट्रॉन जो एटम के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा क्लोजली पैक करके रखेगा, तो दूसरे टाइम इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। हाँ वेरी गुड, क्योंकि रिपल्शन कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, है ना, तो इस कारण से आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको ज्यादा चाहिए रहती है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी एक ही एलिमेंट के लिए हमेशा बढ़ती जाएगी, तो यहाँ आपको तीन आयनाइजेशन एंथैल्पी दिख रही है। व्हाई वी हैव रिमूव्ड थ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, 13 का मतलब 10 तो आपके नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 आउटर शेल के हो गए, तो टोटल एनर्जी कितनी चाहिए आपको? टोटल हाउ मच एनर्जी टू बी रिक्वायर्ड टू डायरेक्टली जनरेट एल थ्री प्लस, कितनी एनर्जी चाहिए अपन को? कैसे निकालेंगे? तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, जस्ट ऐड देम, और ऐड करोगे तो ये जैसे अपने मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, इसी तरह से थर्मोकेमिकल इक्वेशंस होती हैं, और इसमें भी जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड पे, इधर राइट हैंड पे, आपको सिर्फ ये मिलेगा और ये मिलेगा और तीन इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। और ठीक इक्वेशंस की तरह यू कैन ऐड योर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आल्सो, समझ आया? तो ये हुआ आपका 577 17, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 1795 2758, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई ये पॉजिटिव होगी एक्चुअली, क्योंकि सभी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, बिकॉज यू नीड टू पुट सम एनर्जी इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्टिव फोर्स में है, तो यहाँ पर हो गया 20, है ना, इसको ऐड कर लेते हैं अपन, 9 plus 5 14 14 and 7 21 21 and 2 3 23 7 3 is 21, so it will be 5130. तीन इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो टोटल एनर्जी चाहिए रहेगी, that will be the sum of three ionization enthalpies, that will be equal to 5130 kilojoule per mole. ये समझ में आया कि नहीं आया? ये एक मोल के लिए है या 27 ग्राम्स के लिए, समझे कि नहीं समझे? 27 ग्राम्स के लिए, वन मोल इज 27। कोई बोलेगा 9 ग्राम्स एल्युमिनियम में से Al3 प्लस बनाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, तो 9 ग्राम्स कितना होगा, 1/3 ऑफ अ मोल, मोल निकाल लो आप, एक मोल के लिए 5130, तो 1/3 मोल के लिए इसका 1/3 कर दो, है ना,
ये तो 27 ग्राम्स के लिए, तो वन थर्ड कर दोगे तो आप वो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी आ जाएगी। ये आई होप सभी को क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट इसमें? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? यस कम ऑन गाइस क्विकली टेल मी, कौन बताएगा मेरे को? हाँ जल्दी से बताओ किसको डाउट है किसको नहीं है। उनीत बताओ, आवाज आ ही नहीं आज तो उनीत की। हाँ उनीत जल्दी से बताओ। एंड हाउ द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज गोइंग टू चेंज एज वी मूव डाउन द ग्रुप? ग्रुप में नीचे उतरने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होगा, जल्दी से बताएं। कौन बताएगा मेरे को? सितरा बताओ। एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, व्हाई? क्यों क्यों होगा ऐसा, जल्दी से बताओ। So because nuclear charges increases due to addition of electrons. हाँ nuclear charge तो बेटा attraction है, if that increases it should become more and more difficult to remove an electron. तो वो nuclear charge तो बढ़ी रहा है नीचे उतरने पे, लेकिन उससे ionization energy बढ़नी चाहिए थी, but ionization energy कम हो रही है. Down the group. आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस मतलब इट बिकम्स मोर एंड मोर इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? क्यों? साइज बढ़ेगा, साइज इंक्रीजेस, शेल भी इंक्रीज होता है, न्यू शेल इज एडेड एवरी टाइम, ठीक है? नया शेल ऐड हो रहा है, सेकंड पीरियड में शेल कौन सा है, ठीक है? सेकंड शेल है, ठीक है? क्लियर? जैसे लिथियम के लिए, लिथियम का वैलेंस शेल क्या होगा? लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम है और 2s1, ठीक है? लिथियम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नियॉन है 3s1। पोटेशियम का क्या है? आर्गन है 4s1। रुबिडियम का क्या है? क्रिप्टन है 5s1। हालांकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन अट्रैक्शन बढ़ता हुआ अट्रैक्शन तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल हो जाना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में, बट इलेक्ट्रॉन हटाना आसान होता जाता है ना? क्यों ऐसा क्यों होगा, जल्दी बताओ ऐसा इसलिए? सर जब हम नीचे जाते हैं तब जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिक्रीज हो जाता है बिकॉज़ ऑफ द साइज ऑफ द एटम। हाँ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन क्योंकि आपके प्रोटॉन तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्या होता है आपका जो शेल है वो दूर और दूर होता जाता है। अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है या करीब करीब कॉन्स्टेंट रह रहा है, बट आपका जो शेल है दैट इज बिकमिंग फार्दर एंड फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दे विल फील लेसर एंड लेसर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो इफ दे आर लेस अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस इट बिकम्स इजी टू रिमूव देम। समझ आया? तो इट बिकम्स इजी बिकॉज अ न्यू शेल इज एडेड एवरी टाइम, अ न्यू शेल इज एडेड और शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, आउटर शेल बड़ा होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, तो अट्रैक्शन जो है दैट इज गोइंग दैट इज डिक्रीजिंग, ठीक है? और अट्रैक्शन डिक्रीज होने के कारण, ठीक है, आपका इट बिकम्स इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है? 6s बहुत दूर होगा तो इट इज वेरी इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिक्स शेल एज कंपेयर टू द सेकेंड शेल। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा,
सबसे ज्यादा लिथियम का, फिर सोडियम का, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम और सीजियम। समझ आया सभी के? जैसे जैसे ग्रुप में नीचे उतरोगे साइज इंक्रीज होता जाएगा, है ना, शेल भी बढ़ता जाएगा, हर एलिमेंट में नया शेल जुड़ जाएगा जो बाहर की तरफ होता है, और इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता जाएगा। इट विल बिकम मोर एंड मोर इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? आई होप ये सभी को क्लियर है। लेकिन देर आर एक्सेप्शंस, सभी जगह एक्सेप्शंस हैं अपने, ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। एक्सेप्शंस आपके, जैसे अगर आप डी ब्लॉक के अंदर चलते हैं, स्कैंडियम, स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथनम, ठीक है, तो इसमें तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर स्कैंडियम रहेगा, फिर वाई रहेगा, फिर नीचे उतरने पे कम हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके नेबरिंग में ही दूसरा ग्रुप है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, है ना, हाफनियम, और यहाँ पर तो उल्टा हो गया। समझ आ रहा है? यहाँ पे तो आपका उल्टा हो गया, टाइटेनियम का ज्यादा है, जिरकोनियम का कम है, दैट इज इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन, और एचएफ का ज्यादा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है मेरे को क्यों हुआ ऐसा एक्सेप्शन? जल्दी बताएं, कौन बताएगा मेरे को, जल्दी से बताओ, व्हाई देयर इज एक्सेप्शन? हाँ, यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों एलिमेंट जो है नेबर नहीं है, पीरियोडिक टेबल में नेबर की तरह जरूर दिखते हैं, यहाँ पर बीच में इन दोनों के बीच में 14 एफ लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये जो आपके एफ लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल्स में आता है, और अपन ने पढ़ा था कि एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग जो है पुअर होता है, वो रिपल्शन ज्यादा नहीं करते क्योंकि वो बिखरे हुए होते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो दे आर गोइंग टू कॉज मोर रिपल्शन टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। एफ के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दूर दूर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो उनका शील्डिंग पुअर होता है, है ना। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर से बढ़ जाता है, एफ लॉक एलिमेंट का पुअर शील्डिंग होता है, इस कारण से ये ऐसा एक्सेप्शन आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। समझ गए सभी बच्चे या नहीं आया? सिद्रा, अल्विया, समझ में आया एक्सेप्शन? नीचे उतरने पे किस तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी चेंज हो रही है? Yes. हाँ, नीचे उतरने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि वैसे तो शेल बड़ा होता जाता है ना, तो दूर होता जाता है इलेक्ट्रॉन, और दूर होता जाता है, दूर 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 जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और आसान हो जाएगा, है ना, इट शुड बिकम इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइटेनियम से जिरकोनियम में इजी हुआ, लेकिन हाफनियम में फिर से डिफिकल्ट हो गया, रीजन बीइंग कि हाफनियम का साइज भी जिरकोनियम के बराबर है, साइज में भी एक्सेप्शन है, और आयनाइजेशन एनर्जी में भी एक्सेप्शन है, और रीजन जो है इसका ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। यहाँ पे एफ ऑर्बिटल्स हैं आपके, है ना, एफ ऑर्बिटल के कारण यहाँ पे शील्डिंग आपका बहुत पुअर है, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन डाउन द ग्रुप चलते हैं, जैसे ग्रुप 13, ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होंगे ग्रुप 13 के अंदर, कौन कौन बताएगा मेरे को? बोरॉन फैमिली है ग्रुप 13, बोरॉन, एल्युमिनियम, ठीक है, मैंने बताया था, बैंगन, आलू, गाजर, एंथैली, ठीक है, और थेलियम, ठीक है,
एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था? एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये था कि बोरॉन सबसे छोटा है तो उसकी ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम की, फिर गैलियम की, फिर इंडियम की और फिर थेलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ और ही है ना, थेलियम की बहुत ही आगे आ गई, थेलियम जम करके आगे आ गया और गैलियम भी जम करके एल्यूमिनियम से आगे पहुंच गया। एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये नहीं रहा बल्कि अपना हो गया बोरॉन, थेलियम, और थेलियम के बाद गैलियम भी जंप करके आगे आ गया कि नहीं मैं भी आऊंगा, एल्यूमिनियम, ठीक है, और फिर इंडियम। अब नॉर्मली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी हो रही है, दिख रहा है सबको, दिखा कि नहीं दिखा, किसको दिखा किसको नहीं दिखा, समझ में आया कि नहीं आया? समझना बस ये है कि अब नॉर्मल ट्रेंड आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है ये तो अपन बात करते हैं। कौन बताएगा मेरे को? अलविया, सिद्रा, अंशिका, अनवी, उनीब, जरा बताओ। उनीब नाराज हो गए कि आज बात ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी? अनवी बताओ बेटा, एक्सेप्शन किसका है और क्यों है? पहले तो एक्सेप्शनल आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, किसकी आ रही है, किसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एनर्जी आ रही है, बताओ जल्दी से। कौन बताएगा? हाँ अंशिका बताओ, ये है एक्सेप्शन। थेलियम में जो इलेक्ट्रॉन है एफ में है, तो यहां पर ड्यू टू और एफ के इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं और अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम करते हैं, तो रिपल्शन कम होने के कारण वो ज्यादा खींचते, अट्रैक्शन ज्यादा होता है न्यूक्लियस से, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा उनको हटाना मुश्किल होगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ और वाई। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पे गैलियम में ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, समझ गए? क्लियर है सबको? आई होप सभी को क्लियर है। फिर अपन देखते हैं एप्लीकेशंस। तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में थेलियम आगे आ गया, गैलियम ऊपर चला गया है ना, यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी में, क्लियर। फिर एक्सेप्शंस तो ये हो गए अपने, फिर यूजेस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या यूजेस है आयनाइजेशन एंथैल्पी के? आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज से अपन को मालूम पड़ जाता है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। टू फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अपन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज को देखकर। फॉर एग्जांपल अपन ऐसा करते हैं कि कोई एलिमेंट है ए, या मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज।
सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी जब पहला इलेक्ट्रॉन हटाया तो वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है IE2 ठीक है वो ज्यादा होगी अनवी, और वो कोई एलिमेंट है अपन को पता नहीं है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाया आपने तो ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपको +2 वाला चार्ज का आयन मिलेगा अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो। इफ यू आर गोइंग टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी नोन एज IE3 एंड इट विल बी 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है, और इसी तरह से आपने फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर हटाया है ना, आप सब्सिक्वेंटली एनर्जीज देते जाते हैं उससे इलेक्ट्रॉन हटते आते हैं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन हटाने से आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आ रहा है वो है लेट से 130, ये वैल्यूज याद नहीं रखनी है आपको, थोड़ा ट्रेंड को समझना है ना। तो आइडेंटिफाई द एलिमेंट, ऑप्शन ए आपके पास है नियोन, ऑप्शन बी आपके पास है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आपके पास है मैग्नीशियम, या ऑप्शन डी आपके पास है सिलिकॉन, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया सिद्रा? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सर डी सिलिकॉन। हाँ मेरे को थोड़ा सा बताओ कैसे सोचा अनवी? सर क्योंकि इसमें हमें चार बारी आयनाइजेशन एंथैल्पी करनी पड़ रही है और जो सिलिकॉन है उसके वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नहीं देखो वैलेंस शेल में हो सकता है चार इलेक्ट्रॉन हो या दो भी हो या तीन भी हो, है ना, वैल्यू अपन को हो सकता है उतनी नहीं दे जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू ज्यादा भी दे सकते हैं अपन। अगर आपका सोचना तो सही है लेकिन इसमें एक बात और सोचो, चार आयनाइजेशन एनर्जी दिए तो दैट डजंट मीन कि सर चार इलेक्ट्रॉन ही हटाने के लिए, मतलब चार ही इलेक्ट्रॉन है तो चार ही वैल्यू देंगे, क्वेश्चन पूछने वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए, हो सकता है कि दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हो और उसने चार वैल्यूज दे दी हो, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो दो है लेकिन चार मतलब दो तो वैलेंस हटा दिए फिर दो कोर के इलेक्ट्रॉन अंदर वाले हटा दिए तो उसी अकॉर्डिंग आपको एनर्जी दे दी चार। इट इज नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन पूछने वाला आपको उतनी एनर्जी दे, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज दे जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो है तो ज्यादा वैल्यूज भी दे सकते हैं, तीन वैल्यूज दे दी, लेकिन इन वैल्यूज को रीड करके इनमें चेंज को देखकर आपको मालूम पड़ जाएगा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आप देखिए इनको ढंग से रीड करिए। ट्रिक ये है, समझ में आ रहा है? ट्रिक ये है अलविया कि आप एक बात देखेंगे कि कहां पे, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आसानी से हट जाते हैं क्योंकि आउटर शेल में, once you remove all the valence electron then you move to core electrons removal of inner shell, तो जैसे ही आप अंदर वाली shell fully filled shell से electron हटाओगे आपको ionization energy की value में एकदम से ज्यादा होती हुई दिखेगी, ज्यादा increase दिखेगा, jump दिखेगा, जैसे ही सारे valence electron हट जाएंगे अनवी, और जैसे ही आप कोर वाला इलेक्ट्रॉन हटाने जाओगे यू विल नोटिस, कोई बता नहीं रहा कि कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस में है कितने इलेक्ट्रॉन कोर में है, लेकिन जैसे ही आप ये एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि एकदम वैल्यूज में एकदम से बड़ा वैल्यू आ जाएगी, जंप आ जाएगा, और उससे आप पता लगा सकते हैं कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड हाउ मेनी कोर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, क्या मेरे को बता सकते हो? अब बताओ मेरे को कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अनवी, जरा बताओ, देखो वैल्यूज को वैल्यू से जज करो, कुछ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू याद नहीं करनी, बस थोड़ा सा देखो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 15 35 और 35 का डबल भी नहीं ट्रिपल भी नहीं, एकदम से करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स वैल्यू हो गया, बहुत हाई वैल्यू आ गया एकदम से, कहां 35 कहां 130,
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अनवी बताओ, अंशिका सर एल्यूमिनियम। हाँ एल्यूमिनियम हो सकता है, वेरी गुड, क्योंकि तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन है तो तीन इलेक्ट्रॉन तो आसानी से हट जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजीली, बट वंस यू रिमूव ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड यू मूव टू द इनर शेल, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए एकदम से आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, 130 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, एकदम से देखो जंप, देखो आप 35 कहां 35 और कहां 130, एकदम से बहुत बड़ा वैल्यू आ गया, 2 digit 3 digit हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो ये आपको बताएगा कि बहुत ज्यादा आपको वैल्यू देनी पड़ रही है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है सबको, समझ में आ गया, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना। दूसरा, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर बहुत ज्यादा होगी, इट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर, भी आप बता सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस, और आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर डिक्रीज होगा, ठीक है, तो मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आई होप ये क्लियर है सभी को। नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, क्लियर, ये अपन को समझ में आ जाता है। इससे अपन को ये भी पता लग जाता है कि कितने कितना चार्ज आएगा एलिमेंट के ऊपर, जैसे एल के ऊपर +3 क्यों आता है, +4 क्यों नहीं आता, क्योंकि तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और 3 इलेक्ट्रॉन तक हटाने में आयनाइजेशन एंथैल्पी कुछ वैल्यूज लग रही है, लेकिन 4th इलेक्ट्रॉन हटाने में एकदम से एब्रप्टली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, है ना, तो इस कारण से इतनी एनर्जी हो सकता है अपन प्रोवाइड ना कर पाए इससे, तो इस कारण से एल्युमिनियम जो है आपका वो +3 में रहेगा, ठीक है। तो इट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द चार्ज कि कौन सा चार्ज का आयन बन सकता है एलिमेंट से, कितने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लूज कर सकता है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपको सब चीजें मालूम पड़ जाएंगी किससे, आयनाइजेशन एंथैल्पी से, समझ आया, ठीक है। तो ये बात अपन को बहुत ध्यान रखनी है, आई होप ये सभी को क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सिद्रा, अनवी बताओ, अंशिका, अल्विया, जल्दी से बताओ बच्चों, कम ऑन, टेल मी क्विकली। क्लियर सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अपन आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे अपन को ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे अपन को काफी चीजें क्लियर हो जाएगी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये इसी तरह का है जैसा मैंने आपको ऊपर दिया है कि अपने पास कुछ एलिमेंट्स हैं P Q R S T, है ना, एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल्स हैं, है ना, ये कुछ इमेजिनरी एलिमेंट्स हो सकते हैं और इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज दे रखी है IE1 IE2 IE3, थ्री आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे दी, ठीक है,
और ये यूनिट भी दे दिया इसका किलो कैलोरीज, ये भी एनर्जी की यूनिट है, पर मोल इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज, और यहाँ पर जो वैल्यू है 300 pi 49 920, फॉर द पी, क्यू के लिए है 99, ठीक है 734 1100, ठीक है आर के लिए 118 1091, 1632, एस के लिए 176 347, और टी के लिए 497 947 1500, ठीक है ये आयनाइजेशन एंथैल्पीज है पी क्यू आर एस टी एलिमेंट्स की। अब मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है बट वेरी इजी क्वेश्चन। सित्रा, अल्विया, अंशिका, अनवी एंड उनीद, तो विच एलिमेंट इज नोबल गैस, जल्दी से बताओ मेरे को। जल्दी से कौन बताएगा? हाँ, विच एलिमेंट इज अ नोबल गैस, क्या आंसर है? हाँ ये होगा नोबल गैस जो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है ना, पहली सबसे इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल जिसमें है इनमें से वो नोबल गैस है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नोबल गैस है। वेरी गुड। विच टू एलिमेंट कैन फॉर्म अ स्टेबल यूनिपॉजिटिव आयन? हाँ बताओ, यूनिपॉजिटिव आयन कौन सा दो एलिमेंट्स बना सकते हैं, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें बस, दो ना करें। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के क्या कंडीशन होती है अपनी, बताओ जल्दी से, कि पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो लेकिन दूसरी बहुत ज्यादा हो, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन, अगर दो कम होगी है ना तो दो इलेक्ट्रॉन भी हट सकते हैं, ठीक है पहली आपकी कम हो लेकिन दूसरी बहुत ज्यादा हो तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हट पाएगा, समझ में आ रहा है? तो मेरे को बता दो जल्दी से, अंशिका, अल्विया, उनीब, जल्दी बताओ। उनीब आवाज आ रही है, आज तो बात ही नहीं कर रहे हो, क्या हो गया एकदम से, जल्दी बताओ। यस सर, आज सर थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी सर। चलो कोई बात नहीं, है ना। कौन सा एलिमेंट आपका प्लस वन चार्ज का कैटायन बना सकता है, प्लस वन चार्ज वाला कैटायन, प्लस टू नहीं बनाए बस प्लस वन बनाए और रुक जाए, तो प्लस वन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हटना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन हटेगा कैसे हटेगा अंशिका, कि पहली आयनाइजेशन एनर्जी तो कम हो लेकिन दूसरी बहुत ज्यादा हो, दूसरी बहुत ज्यादा मतलब एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी एक ही हटेगा, और पहली एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत कम होगी लेकिन दूसरी एकदम से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फिर एक हटने के बाद आप अंदर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन हटा रहे होंगे। तो इस डेटा को अगर अपन एनालाइज करते हैं तो एक तो ये बात निकल के आती है अपने सामने कि ये देखो ये पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है और ये दूसरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ऐसा ही अपने पास अगला एलिमेंट जो आता है जिसकी पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है दूसरी बहुत ज्यादा है, वो ये वाला है ना, एकदम से आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है,
तो दो एलिमेंट्स जो यूनिपॉजिटिव आयंस बना सकते हैं, ठीक है, तो वो हो गए आपके कौन कौन से, Q एंड R, तो Q प्लस और R प्लस बन जाएगा, ठीक है, उनके कंपाउंड्स में ऐसे रहेगा। मैं इसको चूज नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपसे अब अगला सवाल पूछता हूं कि S जो है, एलिमेंट S, एलिमेंट S जो होगा वो कौन से चार्ज का कैटायन बना पाएगा, मेरे को बता सकते हैं? प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर। हाँ, जल्दी से बताओ अनवी, कम ऑन, थोड़ा सा बताओ जल्दी से मेरे को। सर 2 मिनट्स। अलविया थोड़ा सोचो, अनवी की हेल्प करो जल्दी से, सिद्रा अनवी की हेल्प करो, जल्दी बताओ। एलिमेंट एस जो है कैन फॉर्म अ कैटायन ऑफ चार्ज, एलिमेंट एस, प्लस वन आ सकता है, प्लस टू आ सकता है, प्लस थ्री आ सकता है, क्या आ सकता है? जल्दी से बताएं। अन्वी आया? नहीं सर। हाँ देखो, इसको ध्यान से अगर अपन एनालाइज करें तो दो वैल्यूज तो पास पास है, ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू एकदम से शूट अप हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, दिख रहा है? तो इसका ये मतलब हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन तो आसानी से हट जाएंगे, तीसरे इलेक्ट्रॉन को हटाने में बहुत मुश्किल आएगी, है ना? तो जो एलिमेंट एस है वो प्लस टू डाई पॉजिटिव कैटायन आसानी से बना सकता है, जिसपे प्लस टू चार्ज होगा। समझ आ रहा है कैसे अपन ने एंगेज किया इसको? क्लियर? तो क्यू और आर में तो आपका सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन हटेगा। देखो, एक एक पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है, दूसरी एकदम से ज्यादा है, है ना, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे दो तो थोड़ी ठीक है, दूसरी ज्यादा तो होगी, हमेशा ज्यादा होगी, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा नहीं, तीसरी एकदम से बहुत ज्यादा, अंतर डिफरेंस देखो उनका आप, है ना, उससे मालूम पड़ जाएगा। अपन ने ये देखा था ना, नोबल गैस तो टी है, तो कौन सा एलिमेंट है जो नोबल गैस नहीं है लेकिन नॉन मेटल है? नॉन मेटल, अभी अपन ने पढ़ा था उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। कौन सा एलिमेंट है जल्दी से बताओ मेरे को, जो कि नोबल गैस नहीं है बट नॉन मेटल है, कौन सा हो सकता है जल्दी से बताओ? नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अंशिका बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर? अलविया थोड़ा बताओ, सिद्रा बताओ, उनीत बताओ जल्दी से, उनीत कुछ लग रहा है आइडिया, जल्दी बताओ। हाँ उन्हीं, थोड़ा सा दो आइडिया जल्दी दो, कौन सा एलिमेंट इज अ नॉन मेटल बट नॉट अ नोबल गैस?
नॉन मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है ना, लेकिन बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा जिसके इनमें है वो तो नोबल गैस है ना, ये तो अपन ने देखा, देखो टी इज अ नोबल गैस। लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, वो ये है स्टील। समझ आ गया, सबसे ज्यादा वाले को तो नोबल गैस कर दो, लेकिन जिसकी ज्यादा है ना, और ज्यादा है उसको आप ऐसा कीजिए कि उसको आप नॉन मेटल में डाल दीजिए, ठीक है, जिनकी कम है उनको मेटल्स में डाल दीजिए, मेटल्स में भी जिनकी पहली कम है दूसरी बहुत ज्यादा है उनको प्लस वन वाले कैटायन वाले मेटल्स बनाने वाले मेटल्स में डाल दीजिए, जिनकी दो वैल्यूज कम है तीसरी ज्यादा है वो प्लस टू वाले कैटायन बनाएंगे, ठीक है। तो विच एलिमेंट इज अ नॉन मेटल बट नॉट अ नोबल गैस, नोबल गैस इज टी, द नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू इज फॉर टी, तो यहाँ पे द आंसर इज गोइंग टू बी टी। सो आई होप ये सभी को क्लियर हो गया है, समझ में आया आयनाइजेशन एनर्जी का यूज अपन क्यों पढ़ रहे हैं। इट हेल्प अस टू टेल कि मेटल कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हटेंगे, है ना, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मेटालिक करेक्टर क्या है, नॉन मेटालिक करेक्टर क्या है, ठीक है। इसके बाद अपन अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं जल्दी से, अगली प्रॉपर्टी अपनी कौन सी है जल्दी से बताओ मेरे को, कौन बताएगा जल्दी से बताओ। हाँ अंशिका टेल मी क्विकली, अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, मैं तो भूल गया, जल्दी से बताओ। अनवी उनीब सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, या इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के नाम से भी जानी जाएगी। तो क्या होती है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जल्दी से बताओ मेरे को, कौन बताएगा। जल्दी बताएं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, उन्हें बताओ थोड़ा सा कुछ तो बोलो। सर एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन एन एलिमेंट, हाँ एनर्जी चेंज जो होगा उसको अपन बोलेंगे। एक्चुअली एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होती, मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इट इज डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज द इट इज द एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज, कहने का ये मतलब हुआ। When an isolated atom in gaseous state बोलने का ये मेरा मतलब है कि वो अलग थलग होना चाहिए, isolated atom होना चाहिए, और सॉलिड में नहीं होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, एक्वस में नहीं होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में सिंगल एटम होना चाहिए, सिंगल सिंगल एटम्स हो सारे। तो इसमें जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो एक एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कितना एनर्जी चेंज होगा, तो उसको अपन एंथैल्पी चेंज कह रहे हैं। इट इज द एंथैल्पी चेंज, अब वो एब्जॉर्ब होगी कि इमिट होगी एनर्जी, वो तो अपन को साइंस से मालूम पड़ जाएगा, है ना। तो एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज या हीट चेंज व्हेन एन आइसोलेटेड एटम इन गैसियस स्टेट, एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आइसोलेटेड एटम जो होगा गैसियस स्टेट में जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट लेगा तो कितना एनर्जी का चेंज आएगा उसमें, ये अपन को देखना है। जैसे कि अगर आप ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन को एटम लेना पहली बात तो गैसियस एटम, O2 मत ले लेना, ठीक है, ये मत लेना, है ना, ये O2 माइनस बन गया, ये नहीं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वो ऑक्सीजन एटम,
इसको काट रहा हूं मैं, एक सिंगल एटम होना चाहिए, गैसीय स्टेट में होना चाहिए, O2 तो मॉलिक्यूल है, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो O- गैसेस आयन बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा, हीट चेंज होगा, है ना, मोस्टली एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेंगे और हीट देंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे और हीट देंगे, क्यों? क्यों होगा ऐसा बताएं जरा, ये नेगेटिव साइन अपन को क्या बता रहा है? अनवी जल्दी से बताओ, व्हाट दिस नेगेटिव साइन इज टेलिंग अस? कि एनर्जी इज वैसे डिक्रीजिंग, एनर्जी इज रिलीज्ड, फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, विच मीन्स द एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द एटम ऑफ दैट एलिमेंट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन. एनर्जी कब रिलीज होती है? जब अट्रैक्शन होगा या जब रिपल्शन होगा? अल्विया, सिद्रा, अंशिका, अनवी जल्दी से बताओ, एनर्जी कब रिलीज होती है? उन्हीं जल्दी बताओ, उन्हीं बेटा. सर जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं. नहीं तो मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होगी या रिपल्शन में होगी? सर अट्रैक्शन. अट्रैक्शन में, अगर रबर बैंड खिंचा हुआ रहता है तो अट्रैक्शन रहता है, जैसे ही छोड़ते हैं एनर्जी रिलीज होती है, अपने दूसरे हाथ पे लगती है ना? तो अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन जो है पास पास आ रहा है, एलिमेंट में जुड़ रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए एनर्जी रिलीज हो रही है ना? समझ आया? तो इलेक्ट्रॉन क्यों अट्रैक्ट होगा, क्या रीजन है इसका? देखिए ऐसा है कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ऑक्सीजन एटम है, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की ओर खींच रहा है, और इस कारण से इलेक्ट्रॉन एटम में है ना? लेकिन इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बाउंड्री आ गई और ये बाउंड्री पे रुक जाएगा, वो बाउंड्री के बाहर भी होगा, ऐसा थोड़ा है. अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो तो एटम के बाहर भी हो सकता है. तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा, खुद के इलेक्ट्रॉन के लिए तो ज्यादा होगा, लेकिन कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको भी अट्रैक्ट करेगा ये अपनी ओर, ये न्यूक्लियस. तो जब ये जुड़ा तो O- बन गया और इसमें एनर्जी रिलीज हुई. जैसे ऑक्सीजन के केस में
वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में -141 या 141 किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है। आप या तो माइनस बोल दो या रिलीज बोल दो, एक ही बात है, दोनों मत बोलना। समझ आ गया, ये बन गया ओ माइनस, एनर्जी जो होगी दैट इज रिलीज्ड। समझ आया कि नहीं आया? आई होप ये क्लियर है, ठीक है, बिकॉज हाँ ठीक है, वेरी गुड, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस टूवर्ड्स द एटम, दैट्स व्हाई द एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का साइन नेगेटिव होता है, इसका उल्टा साइन होता है। मतलब अगर आप रिलेशनशिप देखोगे तो रिलेशनशिप जो आपकी आएगी वो ये आएगी, तो इसको तो आप निग्लेक्ट कर सकते हो, बहुत छोटा टर्म है। कुल मिला के आप ऐसे लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ए ई का साइन नेगेटिव होगा, उल्टा होगा। तो अगर अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगी, नेगेटिव साइन होगा, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव आएगी। अगर अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव। अफिनिटी को यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ एन इंग्लिश वर्ड, कि एटम लेना चाहता है क्या इलेक्ट्रॉन को, अफिनिटी है क्या। अगर अफिनिटी होगी उसमें, है ना, तो पॉजिटिव अफिनिटी वाला कहलाएगा, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, लेना चाहेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हैज अ साइन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बोथ हैव अपोजिट साइन। ये बात समझ में आ गई अनवी? समझ में आया कि नहीं आया अंशिका? यस सर। ठीक है, तो दोनों का उल्टा साइन होता है, अलग अलग कहने का तरीका। एक नॉर्मल अपन क्वालिटेटिव वे में भी कह दो कि हाँ एटम लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ज्यादा है, कम है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। लेना चाहता है तो एनर्जी रिलीज करेगा वो, ठीक है। लेकिन 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 माय डियर स्टूडेंट्स, हर बार ऐसा नहीं होता कि हर एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इट इज नॉट ऑलवेज। केमिस्ट्री में कुछ भी चीज हमेशा नहीं होती है ना, समझ आ रहा है? तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ही चाहेगा, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं जहां पर एलिमेंट्स की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को देना भी पड़ेगा और एनर्जी भी देनी पड़ेगी, मतलब एटम डजंट वांट टू टेक एन इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। Some of the elements have positive electron gain enthalpy. इसका मतलब लिख लो आप layman language में कि they don't want to accept an electron. अंशिका, क्या मेरे को बता सकते हो कि ऐसे कौन से element होंगे जो electron लेना ही नहीं चाहते? कौन बताएगा? Noble gases. हाँ, noble gases हो गए, और ये उनके electronic configuration पर निर्भर करेगा, है ना? Yes, sir. Example, जैसे कि noble gases. Very good. Noble gases have
कंप्लीट वैलेंस शेल एंड दे कैन नॉट एड अ न्यू इलेक्ट्रॉन टू देयर वैलेंस शेल बिकॉज देयर वैलेंस शेल इज फुल. एज अ रिजल्ट दे विल हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड. रीजन में लिख रहा हूं मैं आपको, नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल. समझ आया? और कौन से एलिमेंट्स हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहां पर क्या होगा? कुछ ऐसा ही है. सो वहां पे वो लूज करना चाहिए, लूज करना चाहते हैं, ये भी ठीक है. गेन करना मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, एटॉमिक नंबर है 4, तो दो तो हीलियम जैसे हो गए, दो बाहर के, ठीक है. मैग्नीशियम का 12, तो नियॉन तक तो 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. और फिर 3s2, तो यहां पर दे हैव कंप्लीटली फिल्ड शेल तो नहीं बोलोगे, बट दे हैव कंप्लीटली फिल्ड एज सब शेल. अच्छा होता अगर इलेक्ट्रॉन इसी शेल में आके जुड़ जाता, सब शेल में, एस में, लेकिन एस में कोई जगह नहीं बची. अब आने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना पड़ेगा, 3p में जुड़ना पड़ेगा या 2p में जुड़ना पड़ेगा, वहां अट्रैक्शन नहीं होगा इतना जितना इनमें. मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी नहीं है, नेगेटिव है, ऐसे समझिए आप, है ना. ड्यू टू फुली फिल्ड एज सब्शन, ठीक है. इसी तरह से अगर अपन देखें एक और एलिमेंट है, उसमें भी आप रीजन बता सकते हैं. नाइट्रोजन, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्यों जल्दी बताओ. यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हैं. सिद्रा जल्दी बताओ. कौन बताएगा मेरे को जल्दी से? अंशिका, अन्वी, क्या रीजन हो सकता है? तो बिकॉज़ हाफ फिल्ड है. हाँ, हाफ फिल्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है. अब हाफ फिल्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, मतलब थोड़ा रिपल्शन होगा उसको. पहले थोड़ी स्टेबिलिटी है, नया इलेक्ट्रॉन आके हाफ फिल्ड से को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर देगा, तो नहीं लेना चाहेगा. तो अपन को इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा और एनर्जी भी देनी पड़ेगी. रीजन बीइंग एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड
सब शेल। समझ में आ गया सभी के? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर अपन देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स पर फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज, तो इसमें आएगा एक तो साइज, है ना। साइज का अभी अपन ने देखा नहीं है, साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। साइज बोलो या शेल बोलो, समझ आ गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो असर अपन ने देख ही लिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां पे एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वहां पे एलिमेंट्स रेजिस्ट करेंगे नए इलेक्ट्रॉन के एडिशन को। अच्छा, साइज और शेल में क्या होगा? साइज और शेल अगर छोटा होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन बढ़ता है, तो साइज या शेल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस। ये वैलेंस शेल की बात चल रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन अट्रैक्शन, इंक्रीज इन अट्रैक्शन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इफेक्टिव, क्योंकि साइज छोटा होगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन इंक्रीज होने से आपको आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, ठीक है। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैं लिख देता हूँ, ऐसे बढ़ेगी। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड। फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, सी की, एल आई की, बी की, एन की, इनकी पॉजिटिव, इन्हें नहीं लेना चाहते, या तो इनका सब शेल पूरा भरा हुआ है या इनका शेल पूरा भरा हुआ। तो आई होप ये समझ में आ गया सबको। क्लास में एंड करता हूँ, नेक्स्ट टर्न पे अपन इसको वापस से एक बार बात करके जल्दी से, है ना, अगली प्रॉपर्टी पे चलेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर सबको। कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछा करो। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन ने डिस्कस की हैं, जरूर ध्यान रखिएगा, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर नहीं होते, है ना, आप जो जो बातें हैं ध्यान रखिएगा जो मैंने बताई हैं, उससे बिल्कुल आपको ध्यान रहेगा, है ना, और आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो लेट मी एंड द क्लास, ठीक है। बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. Okay, beta. Take care. Good night.